हे फ्रेंड्स, तो क्विक अपडेट में बात करते हैं सलमान खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट, या फिर कहूँ फिलहाल तो अभी वो स्टोरी सुनने के मूड में है, जिसे सुनने के बाद वो ये कंफर्म करेंगे कि उन्हें कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए और किसका। जिस लिस्ट की बात की जाए तो इस लिस्ट में सूरज बरजातिया, करण जौहर और साजिद नडियालवाला का नाम भी शामिल है, जिन सभी से पहले सलमान खान की ये बात तो आपको पता होगी कि उन्होंने टाइगर 3 के बाद से कोई भी फिल्म ऑफिशियली साइन नहीं की है, बस कई सारे प्रोजेक्ट वो देख रहे हैं। इसी की ही अपडेट निकल कर आई थी, जिसमें एक नाम करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस का भी था और इनकी अपकमिंग एक्शन फिल्म का भी, जिस पर अब पिंक पिला वालों की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगेन बस सोचा ही जा रहा है, क्योंकि जब तक टाइगर 3 के रिस्पांस को लेकर सलमान खान की पूरी श्योरिटी नहीं हो जाती कि ऑडियंस उन्हें किस अवतार और कैसे प्रोजेक्ट में देखना चाहते हैं, तब तक मुझे लगता है वो जल्द ही दूसरे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हाँ नहीं बोलेंगे, जो कि अगेन मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के प्रोजेक्ट सलमान खान की तरफ से प्रेजेंट किए गए हैं, उनकी प्रेजेंटेशन में कितनी ज्यादा कमी और प्रोजेक्ट कितने ज्यादा बेकार थे वो बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। ऐसे में उन्हें बैठकर अच्छे से सोचना यही बताता है कि उनकी तरफ से शायद अच्छा प्रोजेक्ट ही पिक किया जाए, क्योंकि किक 2 से मेरी उम्मीदें बिल्कुल ही खत्म है, जिसमें साजिद नडियालवाला का स्टूडियो फिल्मों की प्रेजेंटेशन कैसे रखता है वो चीज आपको पता है। बाकी बात रही सूरज बरजातिया की, तो उन्होंने अपने पूरे करियर में किस तरीके की फिल्में बनाई है ये बात मुझे आपको बताने जरूरत है नहीं। और इसके अलावा बात की जाए करण जौहर की, तो उनके प्रोडक्शन हाउस की कुछ इस तरीके से बैंड बजी हुई है कि उन्हें अच्छे एक्टर और अच्छा कंटेंट चाहिए, जो कि वो अभी के लिए तो डिलीवर नहीं कर पाए हैं। बाकी लेट्स सी कि सलमान खान के आने की वजह से प्रोजेक्ट्स में कितना इम्प्रूवमेंट निकल कर आता है, जिसकी हो सकता है कि अनाउंसमेंट जल्द ही की जाए। बाकी अब फिर क्या बनती है आपकी भी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय।